दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। जिम्बाब्वे टूर ऑफ पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेंगी, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दूं, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए पाकिस्तान में इस बार कई नए चेहरों को टीम में शामिल किया गया है, जबकि एक बार फिर से बाबर आजम टीम की कमान संभालते दिखेंगे। वही वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी इस बार शादाब खान को दी गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों आपको बता दूं, जिम्बाब्वे की टीम अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान के साथ 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 22 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, रोहेल नजीर और खुशदिल शाह जैसे नए खिलाड़ियों को टीम में चुना गया है, जबकि मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक और सरफराज अहमद को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर कर दिया गया है। टीम में 2 तजुर्बेकार खिलाड़ियों को एक बार फिर से मौका मिला है, जिसमें वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज का नाम शामिल है। नए खिलाड़ियों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने नेशनल T20 में 358 रन बनाए और अपने पहले T20 में शानदार शतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत उन्हें टीम में जगह मिली है। जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर को भी पहली बार टीम में मौका मिला है। वही 30 गेंदों में तूफानी शतक जड़ने वाले खुशदिल शाह को भी पहली बार टीम में चांस मिला है। आपको बता दूं, खुशदिल शाह ऑलराउंडर के रूप में खेलते दिखे। आइए अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के पूरे स्क्वाड पर। जी हां दोस्तों, जिसमें बाबर आजम कप्तान, शादाब खान उप कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, रुहेल नज़ीर, शाहिन शाह आफरीदी, उस्मान कादिर, वहाब रियाज और जफर गौर होंगे। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।